ओके, आज का टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक तो जो कल का लेक्चर था उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि उसका यूज होगा आज। कल मैंने सिर्फ आपको ये बताया था अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, अलजेब्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x की पावर कुछ भी हो, जैसे x की पावर 9 है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बेटा? आवाज में 9 आगे आएगा और एक पावर को हम कम कर दें। किसी भी डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर आगे आएगी और एक पावर को कम कर दें। जैसे मान लो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ही हो, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? 1x की 0, यानी कि 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये किया था हमने, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9 हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -10। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 हो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। इतना ठीक है सबको, सभी को? अगर y इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट हो, आवाज बंद कर दो, अगर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये हमने कल डिस्कस किया, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम कल कर चुके हैं। इवन इन सबको मैं एक साथ लिखूं, 2x2 4x+6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x2 का क्या बन जाएगा? 4x की 1, x का 1 होता है तो 4 रह जाएगा और 6 का 0 होता है तो 0 हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट लेक्चर में किया था, और इवन हमने एक और फॉर्मूला किया था कल, वो ये था अगर y इज इक्वल टू कोई ब्रैकेट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या था? पहले तो आप ब्रैकेट की पावर सॉल्व कर लो, 8 पावर आगे एक पावर कम, फिर इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव कर, इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये सेम ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 4x1 और 3 का कितना? 0। तो आंसर क्या आ गया? 9 2x2 प्लस 3 की पावर 8 इनटू 4। तो आज का स्टार्ट करने से पहले आप एक सम कर दो, सब बच्चे लिखो, 3x की 4 -5 की पावर करने का की पावर 10, 3x की पावर 4 -5 की होल पावर 10। हो गया, आंसर बोलो क्या कह रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रही है? एक मिनट, अब चेक करो। अरे जहां जहां मर्जी आ रहे, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी नहीं बोल रहे हैं, ये कोई कनेक्टेड ही नहीं है। अब देखना आगे ना स्क्रीन।
इस सम को ट्राई करना, दिख रहा है आप स्क्रीन आगे? तो 10 आगे आएगा, 3x की पावर 4 माइनस 5 की 9, और इसका करेंगे तो कितना होगा, 12x क्यूब माइनस 5 का क्यूब, जीरो चाहे लिखो या ना लिखो ये आपका आंसर। तो ये तो वो था जो हमने कल किया था, फॉर्मली कनेक्टेड है ना बस, फिर आप लोग तो क्लास में ही हो सब बच्चे। देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे लिखा जाता है ई की पावर में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स, ई की पावर में लिखा जाता है। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो बहुत आसान है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ई इज एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। वैसे तो इसकी वैल्यू 2.71 ऐसे कुछ होती है, बट इसका कोई यूज नहीं करेंगे वैल्यू का, इसको ई में ही लिखेंगे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा। इनटू में एक चीज और आती है, वो आता है इसका डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर इज ई की एक्स। ई देखते ही आपके पास इजी हो गया, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। इनटू में उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर अलजेब्रिक है और अलजेब्रिक हमने कर लिया। जैसे मैं यहां एक सम लिखता हूं, वाई इज इक्वल टू ई की एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव होगा पहले स्टेप में तो सेम ही जैसा क्वेश्चन है सेम, इनटू में पावर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका, पावर का, उसको अगले स्टेप में कर लेते तो अपना आंसर क्या आया, ये तो एज सच था ही। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x की 1, और 1 का क्या होता है 0, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 2x, दिस इज माय आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आज का टॉपिक तो है ही, कल वाला भी यूज होगा, जो पावर में आएगा वो अलजेब्रिक होगा, और अलजेब्रिक का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करना है। मान लो ये क्वेश्चन हो, e की पावर x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, करो आप लोग, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। सभी करो, हेलो, हाँ जी हाँ जी, इसी डे से ऊपर आना है फर्स्ट फ्लोर पे। बेटा इसका डेरिवेटिव होगा सेम, पहला स्टेप तो सेम, ये जो कुछ है सेम, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, पहले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, इनटू में आपको इसकी पावर का करना, और पावर का क्या होगा, 4x क्यूब 6x प्लस 4x क्यूब 6x प्लस 2, पीछे वाला एसी ऑन है क्या बेटा, ये समझ में आ गया सबको, लिखो, तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपस में डिस्कस करके करो, एक मिनट वेट करो, एक मिनट।
देखते हैं किस किस के ठीक होते हैं। फाइव मिनट का टाइम है सर। ये बड़ा तो और नहीं हो रहा है पीछे वाला आपके होगा कर लिया बस हमारा हो रहा है कुछ है नहीं। आपको आपका भी नहीं हो रहा स्वामी आपने वीडियो देखा नहीं फिर तक देखी नहीं ना लेके आओ कॉपी लेके आप भी आओ तो करो। ये इतने आसान नहीं है क्वेश्चन चारों गलती हो सकती है इसमें ध्यान से करना। ये वाली लाइट ऑन करना बेटा पीछे बस कोई भी वेरिएबल होगा ना जैसे एक्स की कोई भी पावर हो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये कि पावर आगे आएगी और एक पावर कम करते कोई भी पावर है वो आगे आएगी उसमें से एक पावर कम करते ये रूल है इसका। एक्स की पावर अगर एन हो ना एन आगे आएगा एन और अगर यहाँ पर x की पावर 3 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा है ना। और यहाँ अगर सिर्फ x होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 आगे आएगा तो उसकी पावर 0 और किसी की भी 0 1 होता है। और सिर्फ अगर कोई कांस्टेंट पढ़ा हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नंबर कोई भी हो उसका डेरिवेटिव भी होगा नंबर थोड़ी बदलेगा है ना। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज बदलना। तो यही हम आज कर रहे हैं कि ई की पावर में कुछ भी हो उसका रूल मैंने बताया अभी वो सेम ही रहेगा इनटू में इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। मान लो ई की पावर एक्स के तो इसका रूल रहेगा ई की पावर एक्स के और एक्स केयर का डेरिवेटिव उसमें ये वाला रूल लगता है। पहले तो e की पावर में रखो 3 ओवर जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x की 7 है तो आप क्या करेंगे इसको e की पावर x की 7 अगर अपने पास y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 है तो पहले स्टेप में तो सेम ही लिखेंगे x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 किंतु में इसका हम ठीक है अभी मैं सॉल्व करूंगा तो और आएगा फिर हो गया रूट वाला नहीं हो बाकी हो गया। एक एक करके मैच करते हैं पहले फर्स्ट को देखते हैं लाइट ऑफ कर देते हैं फर्स्ट को देखते इसका डेरिवेटिव होगा ये वाला सेम इनटू में इसका डेरिवेटिव इसमें भी ब्रैकेट की पावर है ना अगर ब्रैकेट होती है तो पहले पावर आगे आती है
ऐसी होती है ना ब्रैकेट की पावर, फिर इनटू में ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4x³, ये आंसर होगा। किस किस का ठीक है? आपका ठीक नहीं है ना। देखो ये कल जो मैंने आपको रूल बताया था, कल वाले रूल को मत भूलो। कल मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो स्केयर है, हेलो फायर का एसी तो ऑफिस में लगा हुआ है, छत पे नहीं है, फिर मेरे को बाहर पड़े हैं यार। इधर से आप छत पे तो शायद हायर वाला पड़ा है ना। हाँ आप आप नीचे आओ, मैं बताता हूँ। साइड पे पड़े अभी, आ गया बैक साइड। हाँ नीचे आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ, मैं बताता हूँ। देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव क्या था, टू आगे आएगा, x³ + 1 की पावर 1, इसी वॉल के बैक साइड पर 4x³। ये होता है डेरिवेटिव ब्रैकेट का। ब्रैकेट की पावर पहले कम करोगे फिर अंदर वाले का करोगे। यहां पर तीन स्टेप बन गए, यहां पर क्या बन गए, तीन स्टेप बन गए। आप मेरे को स्टेटमेंट द्वारा से बताना, ये स्टेटमेंट थी फर्स्ट की, की पावर x⁴ + 1 का स्केयर। इसका डेरिवेटिव होगा पहले स्टेप में आप कुछ नहीं करोगे, ये करोगे इनटू में। अब आप इसको भूल जाओ, इसकी पावर पे कंसंट्रेट करो। पावर में भी ब्रैकेट है, फिर आप इसके अंदर अंदर आ जाओ, इसका डेरिवेटिव कर दो 4x³, 1 का 0 होता है, तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। हाँ वो फर्स्ट स्टेप में ही पावर आगे ले आएगा, वो गलत किया। एक टाइम में एक काम करना है, पहले तो ये सेम ही क्वेश्चन एज सच इनटू में, फिर 2 आगे आया पावर 1, फिर अंदर वाले का, इसके अंदर नहीं करना। जब आप पावर कम कर रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, पावर भी कम कर देते हैं और अंदर भी डेरिवेटिव कर देते हैं, वो गलत हो गया, वो आपने मल्टीप्लाई कर। दूसरी स्टेटमेंट बताना क्या, e⁻⁴, तो रूट भी तो पावर ही है किस्म की। इसको मैं ऐसे लिख लूं तो भी एक ही बात है ना, रूट का मतलब हाफ होता है। अब इसका डेरिवेटिव e की पावर, अब ये पावर को सॉल्व करना, हाफ आगे आएगा, माइनस का हाफ, फिर इसका अंदर वाले का करेंगे तो ये किसका ठीक है। ठीक है, तीन बच्चों का, आपका शाइन ठीक है। x² का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, जब आपने हाफ को माइनस हाफ किया, इसको तो नहीं चढ़ा ना आपने अभी, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे। x² का क्या होगा, 2x⁻¹, और 1 का क्या होगा, 0। ये आंसर नोट करते हैं बेटा, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या था, e सिर्फ रूट एक्स ना, तो इसका बनेगा e की रूट एक्स तो एज सच हाफ आगे आएगा, बस यही आंसर है। वाणी समझ में आ रहा है, मानसी? क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, x² + 3x + 1, ये तो आसान ही था, इसका पहला स्टेप तो सेम ही है, इनटू में x² का डेरिवेटिव क्या होगा और 3x का क्या होगा, 3। ये आंसर, दिस इज आंसर।
लास्ट बताना के चार ही थे, अगले चार लिखो। अब सभी ट्राई करना। देखते हैं कितने आपके ठीक होते। नाइन पावर नाइन। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर नाइन। चलो सभी कर दो। पहले का आंसर मैच करें या कर रहे हो अभी? कर लो कर लो। देन फर्स्ट का मैच करो बेटा। फर्स्ट स्टेप तो सेम, नेक्स्ट में इसकी पावर हाफ आ गया है। अंदर एक्स का वन होता है और वन का जीरो होता है। ये आंसर है। देखो किस किस का ठीक है। अभी भी ठीक नहीं हुआ, कहाँ गलती होता है। समझ आ गया हाफ कैसे करना। हाँ जी सही चल रहा है, ये चेक कर दो। वो कभी कभी ट्रिप करता है, अभी तो चल रहा है सही, कुछ देर के बाद गिर जाता है। रोज भी नहीं गिरता, कभी कभी। पीछे तो ऑन है सारी। क्या कह रहे? मेरे को नहीं पता। अब पीछे गैलरी में लगे। अब दूसरे का देखो, इसका आएगा फोन कर रखा है। हाँ यहां से ऑन करो ना, यहां से भी नहीं आ रहा। ये सेम आएगा थ्री एक्स के। सही है, ये तो सिंपल था। ये सही है, इसका बताओ। सेम नाइन आगे आएगा, फिर अंदर वाले का करेंगे तो सिक्स एक्स की वन। ये आंसर है बेटा। जब आपने पावर कम की तो इसके अंदर तो कुछ नहीं किया ना, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करें। अब थ्री एक्स स्क्वायर का क्या होता है? सिक्स एक्स होता है। लास्ट देखो, लास्ट भी आसान है। वन का जीरो,
ये आंसर है। ठीक है सबके, एंजल आपके, कोई बात आपके बेटा शायन कुछ ठीक है, सारे ठीक है, दो ठीक है, ऊपर वाले में समझ आ गया गलती का है आपको, मिस्टेक समझ में आ गई, कितने ठीक है सारे। अब देखते हैं कितने ठीक करते हैं, अब कंपलसरी है ठीक करना। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कंपलसरी टू करेक्ट इट। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, सब लोग ट्राई कर लो। सभी कर लो, पर इस बार ठीक होने चाहिए। देख लो आप अंदर आ, देखिए फर्स्ट का आंसर तो ये हो, अजय फर्स्ट का आंसर ये होगा e की पावर x की 4 इनटू में माइनस थ्री, फर्स्ट आंसर मैच कर लो। मैं आया इनमें से चारों में से कोई है, इसका लिखो, इसका आंसर लिखो e की पावर रूट ऑफ x की 5 + 1 हाफ आगे आएगा एक्स की 5 + 1 की माइनस हाफ इंटू 5x की 4, इसका आएगा ए की 1 - 4x³ - 12x² अभी मैच कर लेना आप लोग अपना, इसका 1 + x² की 6, 6 आ गया 1 + x² की 5 इंटू में 2x आएगा, इसको इंटू में 2x है, एक में गया नोट कर इंटू 2x कर लो।
सारे ठीक है ना। अगला नोट करो, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन लाइट हो गई, सारे क्लास में है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हुआ, इसमें y इज इक्वल टू ऐसे लिखा होगा log f, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का तो कर लिया ना हमने, y इज इक्वल टू log x लिखा होगा। फॉर्मूला ये log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय, ये फॉर्मूला याद रखना, log के साथ जो भी होगा, लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसके साथ जो भी होगा वो रेसिप्रोकल है, इनटू में इसका डेरिवेटिव जैसे आप कर रहे हैं इसका तो वही होगा। वो तो यहाँ मेरे पास है, ये इसका डिफरेंशिएशन का है, इनटू 1 by x² + 1 into इसका बराबर है, इनटू में इसका डेरिवेटिव का क्या होगा, मेथड सारे वही है, बस एक फर्स्ट रूल चेंज होता है हर फंक्शन, ई का जो था वो ई का सेम रहेगा, जो लॉग में आएगा वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो दो तीन समझो, ये वाला यहाँ पे लोग एलओजी लोग लोग चल रहा है ना, बेटा सभी मैंने लोग ही लिखे, सारे फंक्शन लोग वाले सब लोग देख लो। तो फर्स्ट का आंसर आएगा वो x³ + 1 1 by x³ + 1 × 6 x³ है 1 by x³ + 3 4x³ + 3 √x का डेरिवेटिव
माइनस ऑफ इसका करेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 इनटू में 6 ऑफ 5 इनटू में ब्रैकेट का 2x की हो चेक करो सब लोग किस किस के कितने ठीक सारे ठीक है दो वाले क्वेश्चन अब आपके हो गए या नहीं हुए तो 5-6 क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लिखो y is equal to e की पावर log x ये की करो y is equal to e की पावर log x अब e की पावर है ना तो पहले रूल e वाला लगाएंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर log x फिर log x का यही करेंगे और कर लिया सबने चलो सेकंड क्वेश्चन करो e log e की पावर x लोगो e की पावर अब पहले रूल लोग का लगेगा वन बाय ई की एक्स सारा नीचे आएगा फिर ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स से ई की एक्स कट गया आंसर वन आंसर इज मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताता हूँ लॉग की जिससे ये क्वेश्चन और आसान हो कभी भी लॉग के अंदर ई आ जाए ना जैसे इस क्वेश्चन में आया है तो लॉग और ई आपस में कट जाते हैं सिर्फ एक्स बच जाए प्रॉपर्टी डेरिवेटिव नहीं किया डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है पहले भी आंसर वन आया ना आपका लॉग के साथ अगर ई आ जाए तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं मैथमेटिकली और सिर्फ ये बच जाता है जो एक ही पावर में था अब आप x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या है वन मतलब मैं आपको ये कहता हूँ y is equal to log of e की पावर x स्क्वायर प्लस वन इसको सारा करने की जरूरत नहीं है log e से कैंसिल हो जाएगा ये अपने पास क्या बना x स्क्वायर प्लस वन अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 2x की पावर है आप एक बार काम पिक्चर भी रोना हो भाई इसको डायरेक्ट कर दो तो आंसर कितना आएगा 2x की पावर इतना समझ में आ गया सबको दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो अगर e की पावर में लोग आ जाए ना तो भी ये दोनों आपस में कट जाते हैं लोग के अंदर ही आ गए तो भी कैंसिल हो जाएंगे e की पावर में लोग आ गया तो भी कैंसिल हो जाएंगे अब सिर्फ आपको x का डेरिवेटिव करना होगा और दैट वुड बी योर ये प्रॉपर्टी है लोग अगर मेरे पास e की पावर में लोग ऑफ x square plus 2x plus 1 है ना तो ये सिर्फ x square plus 2x plus 1 ही है अब डिफरेंशिएशन आप इसका करो इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं अब आपका dy by dx क्या बनेगा 2x plus 2x plus 2x की 1 या 2x plus ये आपके पास
लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। तो हमने दो चीजें करनी थी आज, एक अलजेब्रिक फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और एक हमने लॉगरिथमिक। कल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बट आप लोग ना लेक्चर जो देखना पिछले वाला फर्स्ट लेक्चर का ही बेस है इसके ऊपर, नहीं तो मैं एक और रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा मेरे पास जिसमें तीनों का रिकॉर्डिंग एक साथ हुई वो देख लेना। जिसके जो आप मुझे व्हाट्सएप पे ना अपना नंबर भेजना बेटा, हेलो करना की कोशिश, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आप भी लेक्चर देख पाओगे। दिस इज ऑल फॉर द डे फॉर बैकअप क्लास। 10 मिनट के बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी, उसमें योगेश अभी आप फेल गए, आप जा सकते, आप मेरे को मैसेज करो, मैसेज करो। आपको सेकंड अटेंड करना है, आप कर लो, अभी कल किया था आपने, कुछ समझ आया था उसमें, फिर नए टॉपिक से करना था। 2-3 दिन के बाद शुरू होगा वर्क पावर लेक्चर, वहां से करना, पिछला मैं बैकअप में करवा था। आप भी सेम करो, नए टॉपिक से शुरू होगा, सब होगा।